गत समय में मैंने आपको तीसरा पाठ कर कंप्लीट कराया, आज देखिएगा चतुर्था पाठ है महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास धारा में गया राजा भोजा दान शीला कला प्रिया परम विद्वान क्या आसीन तस् राजसभायाम महानता विद्वंसा कवयाचा आसन महाकवि कालिदास भोजस राजसभायाम एक श्रेष्ठम रत्न एव श्रोते ईश्व सा नार भोजराजस्व परम मित्रमपि आसी मित्र स्वकाव्यम श्रावय यत आज्ञापयति महाराज साधु साधु अतिशोभनम ललिता काव्य रचना मित्र कालिदास मम एवं इच्छा पूर्णम करिष्यसि मम मृत्यु समये त्वं यस्या कविताया रचनां करिष्यसि तां अद्य मां श्रावय क्षम्यतां महाराज मम कृते भवता मृत्यु कल्पनाय कष्टप्रदा अस्ति अयं विचाराय मां साधयत् महाकवि मम आदेशात् उपालनीया अन्यथा दंड प्राप्स्यसि तथा मम राज्ये तव निवासा अपि असम्भवा अद्य आम त्वं स्वराज्यार्थै करोमि यथा महाराजा आदिश क्षम्यतां कार्यं सा कविता तु तस्मिन् समये एव स्फुरिता भविष्यति इदानीम् असम्भवं कालिदासा भोजस्य राज्यं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत् सा काष्ठानि विक्रीय स्वकालम् अनयत् एकदा राजा भोजा देशान्तरं गत्वा आकेटाय तद्वनं प्राविशत् श्रीमन् अयमेव मार्गः भवान् किं तारा नगर्यावासी अस्ति किं राजा भोजा उसी वो काष्ठिका धारा नगर्या मार्ग का अयम काष्ठिका तो कालिदास ने समम अस्ति भवत् परुच्छेद शब्दार्थ देखिए कलाप्रिया जिसे कलाप्रिय है ललिता सुंदर सादय दुखी करना स्फुरिता सहसा प्रकट होना आदेश आदेश देना विक्रिय बेच कर देशांतरम दूसरा वेश आखेट शिकार काष्ठिका लकड़ी बेचने वाला कुशली कुशल हिंदी अनुवाद देखिए धारा नगरिया राजा भोजा दानशीला कलाप्रिया परम विद्वान चासीत धारा नगरिया धारा नगरी में राजा भोजा राजा भोज दानशीला दानशील कलाप्रिया कलाप्रिय परम विद्वान चासी थे धारा नगरी में राजा भोज दानशील कलाप्रिय और परम विद्वान थे तस् राजसभायाम महानता विद्वंसा कवयाचा आसन उनकी सभा में महान विद्वान और कवि थे महाकवि कालिदासा भोजस्य राजसभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नम श्रोते ईश्व महाकवि कालिदास ने राजा भोज की सभा में एक श्रेष्ठ रत्न प्राप्त करके शोभनीय थे सा भोज राजस परम मित्रमपि आसीत वह राजा भोज के परम मित्र भी थे मित्र स्वकाव्यम श्रावय मित्र अपनी कविता को सुनाओ यदि आज्ञा पयत महाराज जैसी आपकी आज्ञा महाराज साधु साधु अतिशोभनम ललिता काव्य रचना ठीक है अति अच्छी सुंदर काव्य की रचना करो मित्र कालिदास मित्र कालिदास मम एकाम इच्छां पूर्णां करिष्यसि मेरी एक इच्छा को पूर्ण कीजिए मम मृत्यु समय त्वं यस्य कवितायाः रचनां करिष्यसि ताम अद्य मां श्रावय मम मृत्यु समय मेरी मृत्यु के समय तुम ऐसी कविता की रचना करो जो मुझे यार सुनाओ क्षम्यताम महाराज क्षमा करे महाराज मम प्रति भक्ता प्रत्यु कल्पना एवं कष्टदा अस्ति मेरे आप
आपकी मृत्यु की कल्पना को सुनते ही कष्टदायी है। अयम विचारा एवं मां संदेहति, ऐसा मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। महाकवि मम आदेशा तो पाल लिया, महाकवि मेरे आदेश को तुम्हें मानना होगा, अन्यथा दंड प्राप्त्यसि, अन्यथा दंड भोगोगे। तथा मम राज्य तो निवास आपके संभव, तो मेरे राज्य में आपका निवास भी संभव है। अद्य आम तम पराजय कई करूंगी, आज ही मैं तुमको अपने राज्य से बाहर करूंगा। यथा महाराजा शत्रु, जैसा महाराज ने आदेश किया। क्षम्यताम राजन, क्षमा करें राजन, सकर्ता तू तस्मिन् समय एव स्थलता भविष्यति। ऐसा उनके मन में यह कविता असंभव हुई। कालिदासा भोजस राज्यं त्यक्त्वा वनं गच्छत्, कालिदास राजा भोज के राज्य को छोड़कर वन चले गए। सा का स्थानीय प्रिय स्वकालम अनयत, और वहाँ पर लकड़ियाँ बेच कर अपने समय को बिताने लगे। एक बार राजा भोजा देशांतरम धत्वा, एक बार